भारतीय सेना की वीरता और शौर्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए लखनऊ में नो योर आर्मी फेस्टिवल का शानदार आगाज हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नो योर आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूरे मेले का भ्रमण किया, साथ ही सैन्य हथियारों पर हाथ भी आजमाए। ये फेस्टिवल सेना दिवस के उपलक्ष्य में लखनऊ छावनी स्थित सूर्या खेल परिसर में शुरू हुआ है, जो आज से 3 दिनों तक चलेगा। इस मेले में भारतीय सेना के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें सेना के टैंक, आर्टिलरी गन, रडार सहित कई अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। इस मेले में T-90 टैंक, T-70 टैंक अथर्व के अतिरिक्त आर्टिलरी गन, K-9 वज्र, वेपन लोकेटिंग रडार स्वाथी, 155mm आर्टिलर गन प्रमुख रूप से शामिल हैं। इनके अलावा यूनिफॉर्म, आधुनिक मशीन गन, पिस्टल, रॉकेट लॉन्चर इत्यादि को भी प्रदर्शनी में मुख्य रूप से शामिल किया गया है। यहाँ पर सेना के इस प्रदर्शनी को भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसके माध्यम से सेना की शक्ति, सेना का पराक्रम और राष्ट्रभक्ति की निष्ठा को हमें नजदीक से जानने और समझने का अवसर प्राप्त होगा। यह महोत्सव सेना के हथियारों, साजो सामान, कार्यशैली, कार्यकुशलता और उन परंपराओं को जानने का एक अच्छा अवसर है, जो अक्सर जिनसे हम लोग सामान्यतः अनभिज्ञ से रहते हैं। आपको बता दें कि नो योर आर्मी मेले में किसी के आने जाने पर रोक नहीं है, साथ ही इस मेले में प्रवेश निःशुल्क है। गौरतलब है कि 15 जनवरी को देश में सेना दिवस मनाया जाएगा और ये पहली बार है कि सेना दिवस का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।